यूनिट थर्ड हम कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 7 का विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव। अब जो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एक समान चुंबक के क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों का आधार है वो यही टॉपिक होगा। जो आगे आने वाले टॉपिक में हम धारामापी करेंगे, चल कुंडली धारामापी करेंगे, उस टॉपिक का जो बेस है वो इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपको पूछ लेना है। तो देखना शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक, और आपको ये टॉपिक है अच्छी तरीके से आपको स्टार्टिंग से अगर आपको देखोगे तो ये कंप्लीट टॉपिक आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से इस टॉपिक को देखना है। एक समान चुंबक के क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण। देखना, यहां पर बना रहे हैं इस डायग्राम को। यह है N और यह है S, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। इस चुंबक के मध्य में एक आयताकार धारावाही लूप है वो रखा हुआ है इन चुंबक के मध्य में। देखना, रख देते हैं स्टार्टिंग से कंप्लीट टॉपिक को। अगर आप देखोगे तो देखना ये कितना अच्छा टॉपिक है और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ये इसके अंदर आयताकार धारावाही कुंडली रख दी है, यहाँ पर नाम दे इसको P, ये है Q और ये है R और ये है S, ठीक है। और चुंबक के क्षेत्र में पता है N से S की ओर होता है। ये चुंबक के क्षेत्र के अंदर धारावाही कुंडली रखी हुई है आयताकार। इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यह है I, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और ये आयताकार कुंडली है। तो हम इसकी जो लंबाई है ये हम मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक वो है A और ये हम मान लेते हैं B। तो ये A है तो इसके सामने ये B होगी, ये B है तो इसके समांतर ये भी B होगी, ठीक है यहां तक। यानी कि N और S के मध्य चुंबक के क्षेत्र में ये आयताकार धारावाही कुंडली रखी हुई है। तो ये जो चुंबक के क्षेत्र है इस धारावाही कुंडली के ऊपर बल लगाएगा। ये जो चुंबक के क्षेत्र है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर धारावाही चालक तार अगर चुंबक के क्षेत्र के अंदर हम रख देंगे तो चुंबक के क्षेत्र उस धारावाही चालक तार के ऊपर बल लगाएगा। तो वही कंडीशन इसमें है, ये बी के अंदर हमने इस धारावाही चालक कुंडली को रखा है तो चुंबक के क्षेत्र बी इसके में क्या लगाएगा, ये बल उत्पन्न करेगा। यानी कि पी क्यू है, इस पी क्यू पर भी ये बी बल लगाएगा, भुजा क्यू आर है इसके ऊपर भी बल लगाएगा और एस आर है इसके ऊपर भी बल लगाएगा। यानी कि सभी भुजा आयताकार कुंडली की इन प्रत्येक भुजा के ऊपर ये चुंबक के क्षेत्र बल लगाएगा। यहाँ तक शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी कि एन और एस दो ध्रुव है, इनके मध्य में चुंबक धारावाही चालक कुंडली हमने रख दी है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस कुंडली के ऊपर ये जो चुंबक के क्षेत्र भी है ये बल लगाता है और उस बल का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था एक वीडियो को छोड़कर, उससे पहले वाले वीडियो में हमने निकाला था और उसका फॉर्मूला ये था एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने निकाला था और ये टॉपिक था चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। जब हमने चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल निकाला था तो उसका यही फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था। तो अगर आपको वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें आपको ये फॉर्मूला है वो मिल जाएगा, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि इस बी के अंदर ये धारावाही चालक तार धारावाही कुंडली रखी हुई है, तो ये धारावाही कुंडली के ऊपर है ये बी है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि भुजा पी क्यू के ऊपर भी बल उत्पन्न होगा, क्यू आर के ऊपर भी बल उत्पन्न होगा, आर एस के ऊपर ही और एस पी के ऊपर भी। तो कितना बल उत्पन्न हो रहा है वो बल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये जो अपनी भुजा है पी क्यू, इसके ऊपर बल निकाल लेते हैं। तो एफ भुजा है पी क्यू
पी क्यू, ठीक है, बराबर फॉर्मूला ये है आई एल बी साइन थीटा। एल क्या है, लंबाई, और यहाँ पर लंबाई कितनी है, ए है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, आई ए बी साइन थीटा। बात करें थीटा कितना डिग्री है थीटा, तो थीटा हम कैसे देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र देखना इस दिशा में है, इसको तो हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा ऊपर की दिशा में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर थीटा है वो 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, रख देते हैं। एफ पी क्यू बराबर आई ए बी, साइन 90 का मान एक होता है, तो एफ इक्वल टू अपने पास आ गया आई ए बी, ठीक है। बल की दिशा निकालेंगे अब हम, तो बल की दिशा के लिए हम क्या करेंगे, देखना बल की दिशा के लिए सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर। जो अपनी अंगुलियां हैं उसको आपको धारा की दिशा में करना है, ध्यान से सुनना है, पहले तो अंगुलियों को धारा की दिशा में करना है और फिर अंगुलियों को घुमा देना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो फिर जो अपना अंगूठा है ये किसको बताएगा, बल को बताएगा। दोबारा से सुनना, बल हमें निकालना है, तो बल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंगुलियां हैं उसको हम करेंगे धारा की दिशा में, ठीक है, और फिर अंगुलियों को ही हम किसकी दिशा में घुमा देंगे, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में घुमा देंगे, तो फिर अपना अंगूठा है ये अपने बताएगा बल को, तो यानी कि कहने का मतलब ये धारा है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो देखना मैंने अंगुलियों को ऊपर की ओर प्रवाहित कर दिया है, फिर अंगुलियों को घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र, देखना ये रहा चुंबकीय क्षेत्र इसकी दिशा में, तो अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमा दिया है, तो फिर अंगूठा, जो अंगूठा बचेगा वो बताएगा बल को, तो बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर। देखना एक बार और देखना क्या करना है, बल निकालने के लिए धारा की दिशा में अंगुलियां कर देनी है, तो धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो देखना अंगुलियां कर दिए धारा की दिशा में, अंगुलियों को मोड़ देना है बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र देना इस दिशा में है, तो अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ देना है, तो देखना मैंने ये चुंबकीय दिशा में मोड़ दी है। अब जो अंगूठा, अंगूठा बच गया अंदर, तो अंगूठा बताएगा बल को, तो अंगूठा देखना अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है वो बल की दिशा आएगी, यानी कि बल की दिशा हम इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको नाम दे देते हैं F1, या फिर चलो F1 दे देते हैं, तो अंगूठा है वो बल को बता रहा है, तो F P Q अपने पास आ गया I A B, इसको लिख दिया समीकरण नंबर एक। अब दूसरी भुजा Q R की बात करते हैं, इसके ऊपर बल कितना लगेगा, F Q R, F Q R फॉर्मूला यही रहेगा अपना, I L, L का मतलब है लंबाई, और यहाँ पर लंबाई है इसकी B, तो यहाँ पर कितना लिख दिया है B, और बाद में क्या है यहाँ पर देखना B है कैपिटल B, तो लिख देना है कैपिटल B साइन थीटा। थीटा कितना डिग्री का बनेगा, देखना B भी इसी दिशा में है और धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर तो थीटा बराबर 0 डिग्री और साइन 0 का मान होता है 0, तो इसके अंदर जो बल है वो कुछ भी प्रवाहित नहीं होगा, तो एफ क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करें भुजा आर और एस की, भुजा आर एस की बात करें, तो एफ आर एस, एफ आर एस फॉर्मूला आई एल बी, तो आई एल का मतलब लंबाई, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा, तो आई ए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, थीटा का मतलब है कितना डिग्री आएगा, धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में, कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री का, तो एफ आर एस तो वो कितना आएगा, आई ए बी, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर दो। अगर हमें देखनी हो बल की दिशा, तो वही काम हमें करना है, अंगुलियों को किसकी दिशा में कर देना है, देखना ये रही अपने पास
धारा नीचे की तरफ, तो अंगुलियों को तो हमें नीचे की तरफ करना है धारा की दिशा में, तो अंगुलियों को तो हमने नीचे की दिशा में कर दिया है, ठीक है। फिर अंगुलियों को मोड़ देना चुंबक, तो अंगुलियों चुंबक की दिशा में इस प्रकार से मोड़ देना। फिर अंगूठा अपना ये बताएगा बल को, तो अंगूठा बाहर की ओर है, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है फारेस के ऊपर वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल की दिशा वो है बाहर की ओर, ठीक है। अब भुजा है एस पी, एस पी की ओर बल है वो कितना लग रहा है, तो एफ एस पी, एस पी, तो एफ एस पी फॉर्मूला ये रहेगा आई एल, एल की जगह कौन सा आएगा बी, बी और साइन थीटा और कैपिटल बी। साइन थीटा का मतलब यानी कि ये देखना है कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा तो है इस दिशा में और चुंबक के क्षेत्र है इस दिशा में, तो प्रति समांतर हो गया है, तो प्रति समांतर के लिए थीटा का मान 180, तो थीटा का मान यहाँ पर हम रख देते हैं 180 डिग्री, और साइन 180 का मान होता है 0, तो एफ एस पी बराबर कितना आ गया 0 डिग्री आ गया है। यानी कि अगर समांतर अगर और प्रति समांतर हो तो धारावाहिक जो कुंडली है चुंबक के बल को कुछ भी बल है वो नहीं लगाएगा, चुंबक के क्षेत्र इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाएगा। बल कब लगेगा, जब क्या हो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तभी इसमें बल लगेगा। तो आप ये देख सकते हो अपने पास एफ पी क्यू बराबर कितना आ गया एफ आर एस, यानी कि कहने का मतलब ये है एफ पी क्यू और एफ आर एस परिमाण में तो समान है। यहां पर हम लिख देते हैं एफ पी क्यू तथा एफ आर एस परिमाण में समान, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिमाण तो समान है दिशा विपरीत है, एफ पी क्यू तथा एफ आर एस परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा, एक बल ये है और एक बल ये है, दोनों की क्रिया रेखा एक होने के कारण ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, लेकिन दोनों बलों की, दोनों बलों की क्रिया रेखा एक होने के कारण, एक होने के कारण ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, या फिर बल युग्म का निर्माण करते हैं, या फिर बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण, कहने का मतलब यह है यह तो अंदर की तरफ लग रहा है और यह बल लग रहा है बाहर की तरफ, तो क्या करेंगे कि धारावाहिक कुंडली है ये इस प्रकार से घूम जाएगी और उसी को हम बोलते हैं बल आघूर्ण। तो हमने बल निकाल लिया है कितना आया है धारावाहिक कुंडली के ऊपर, चारों भुजाओं के ऊपर हमने बल निकाल लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बल आघूर्ण, जो अभी हम करेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम बल आघूर्ण निकालेंगे इसी से आगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि दोनों बलों की क्रिया रेखा वो एक ही है, तो एक होने के कारण, क्योंकि एक ये क्रिया रेखा ये है और ये है, दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है एक है, तो एक होने के कारण ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। और बल आघूर्ण वो होता है कि जो कुंडली को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि एक बल तो आप देख सकते हो, कहने का मतलब ये है एक बल तो इस हमारी तरफ लग रहा है और एक अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि एक बल तो देखना बाहर की तरफ है, ये रहा बाहर की तरफ, एक बल लग रहा है अंदर की तरफ, तो इस प्रकार से कुंडली क्या हो जाएगी घूम जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण, यानी कि घुमाने की प्रवृत्ति रखता है ये बल, क्रिया रेखा एक होने के कारण, जिसको हम बोला जाता है बल आघूर्ण। तो यहाँ पर हम बल आघूर्ण का की गणना है वो करेंगे, तो देखना आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आप यहाँ पर इसके बल आघूर्ण की गणना करते हैं, देखना करते हैं इसके बल आघूर्ण की गणना।
छोटा सा टॉपिक था अपना और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आगे आने वाले टॉपिकों में काम आएगा ये टॉपिक। तो बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होता है टो बराबर बल गुणा बलों के बीच की, बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो देखना बल, अब दो तो जीरो आ गए थे पर एक बल हमने निकाले था जो समान आया था। देखना क्या फॉर्मूला निकाला था उसका हमने, F इक्वल टू, अगर हमने PQ के ऊपर निकाला था सबसे पहले, सबसे पहले हमने बुझा PQ के ऊपर बल निकाला था और उसका फॉर्मूला था आई एल बी साइन थीटा। तो थीटा का मान अपने पास आया था 90 डिग्री, तो आई ए बी हमने निकाल लिया था, आई ए बी ये निकाला था। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी भुजा क्या थी, क्यू आर, तो क्यू आर ये बल हमने कितना निकाला, जीरो। तीसरी भुजा थी अपने पास एफ आर एस, आर एस इसका मान हमने निकाल लिया था आई ए बी, और चौथी भुजा थी पी एस या फिर एस पी और इसका मान हमने निकाल लिया जीरो। यानी कि बल तो देखना इसमें भी दोनों दोनों समान ही है, तो इसमें से कोई भी एक बल हम रख सकते हैं आई ए बी, तो यह रख दिया है आई ए बी। बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है अपने, स्मॉल बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी। तो आई ए बी और इनटू में अपने पास कितना आ गया है, स्मॉल बी आ गया है। तो इस फॉर्मूले से हम बल आघूर्ण की गणना है वो कर सकते हैं, या फिर थोड़ा हम इसको और भी कर सकते हैं सरल अगर आप करना चाहो तो। तो इक्वल टू क्या है, आई ए बी और बी, ठीक है। ए इंटू में बी क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। तो आई ए बी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए और इंटू में बी। तो टो इक्वल टू अपने पास कितना आ गया है, आई ए बी। ये अपने बल आघूर्ण का फॉर्मूला अपने पास आ गया है। तो ये अपना हमने बल भी निकाल लिया और बल आघूर्ण भी निकाल लिया है। अच्छा टॉपिक था, तो आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करके और देख सकते हो ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ सके। अगर नहीं समझ में आए तो आपको बता देना है, फिर दोबारा से इस टॉपिक को अच्छे से दोबारा से आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। लेकिन अच्छा टॉपिक है, पूरी कोशिश की गई है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन अगर आपको पहले वाले, अगर पीछे वाले टॉपिक आपको क्लियर हैं तो इस टॉपिक में आपको मेरे हिसाब से कुछ भी समस्या नहीं आएगी।